करते हैं फार्मूले अपना, ठीक है। ये अभी जो हमने किए थे लॉजिकल किए थे, लॉजिकल में इफ एरर क्या मैंने एक्सप्लेन किया था? नहीं किया था शायद। तो नहीं सर, अभी नहीं किया। मैंने बताया था इफ का और एंड एंड है जी। बाकी देख लीजिए, कई बार क्या होता है ना, जैसे हम वी लुकअप वगैरह लगाते हैं तो कुछ एरर आ जाती है, ठीक है जी, इस तरह की एरर आ गई, या फिर एक ये एरर आ गई। तो कोई भी फार्मूला है जो कि किसी भी चीज़ में एरर रिटर्न कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे मेरी जो वैल्यू आनी है फार्मूले से आनी है, और वो आ गई मान लीजिए बाय डिफॉल्ट 0 आ गई, और यहाँ पे मेरा डिवाइड का कुछ फार्मूला लगा है, यहाँ पे फिर एरर आ गई। कोई भी काम जो आपको करना हो, आप चाहते हैं कि जैसे इसमें एरर ना दिखाए, यहाँ पे मान लीजिए कुछ वैल्यूज हैं और यहाँ आपने फार्मूला लगा दिया, आप चाहते हैं कि जब यहाँ पे चेंजेस हो ना, जैसे यहाँ पे हम चाह रहे हैं तो अब सही दिखा रहा है, जहाँ ठीक है ठीक है, पर जहाँ नहीं है वहाँ एरर तो कम से कम ना दिखाए, उस केस में हम इफ एरर का फार्मूला यूज़ करते हैं। जैसे मुझे ये डिवाइड वाला फार्मूला लगाना है, मैं इसको इफ एरर के अंदर दे दूंगा। इफ एरर में दो पैरामीटर होते हैं, एक वैल्यू, वैल्यू में आप अपना फार्मूला कोई भी अप्लाई कर दीजिए, ठीक है जी। अब सेकंड पूछता वैल्यू इफ एरर कि अगर एरर आए तो क्या देना है। मैंने यहाँ कर दिया डबल इन्वर्टेड कॉमास दे दिए, इसका मतलब, और बीच में कुछ नहीं दिया, ब्लैंक हो गया, जिसका मतलब अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। तो इसका फ़ायदा ये रहेगा कि जहाँ एरर आ रही थी उसकी जगह मेरा ब्लैंक आ गया, पर जैसे ही यहाँ पे कुछ भी नंबर वगैरह आता है ये अपनी वैल्यू दिखा देगा। बेसिकली एरर ना दिखाए इसके लिए करते हैं, ठीक है जी। मतलब यहाँ पे आपको लगेगा, पता नहीं लगता इस केस में कि कोई फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है जी। ऑटोमेशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। दूसरा था एक इसमें नॉट का फंक्शन, नॉट का, नॉट क्या करता है, जैसे जहां आपका टू वैल्यू रिटर्न कर रही है, उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। नॉट का मतलब होता है कि जब ये नहीं हो, मतलब जैसे नॉट इक्वल टू करते हैं हम, बीस इक्वल टू 10, अगर हम यहाँ पे लगाते हैं लॉजिकल कंडीशन देखते हैं कि बीस इक्वल टू 10, ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। नॉट के अंदर हमारी ये कंडीशन चली जाएगी कि क्या बीस इक्वल टू 10, ये बोलता है व्हेन नॉट डी फाइव नॉट इक्वल टू 10, ट्रू आ जाएगा, ठीक है जी। इसका कभी कभार यूज़ होता है, कोई खास नहीं, डेटा वैलिडेशन और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कुछ इस तरह के रूल आते हैं जहाँ पे आपको ट्रू ही रिटर्न करवाना पड़ता है, देन आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी इसके अंदर दो फंक्शन और हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ये फंक्शन है जो ट्रू, एक ट्रू का फंक्शन जो है वो ट्रू ही रिटर्न करता है, और फॉल्स का फंक्शन जो है वो फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है जी। इनका कोई खास यूज़ नहीं है। नेक्स्ट आते हैं टेक्स्ट पे, टेक्स्ट फॉर्मूला पे। हाँ सर, इसमें एक क्वेश्चन था कि जी अगर कॉम्बिनेशन हो बोथ ए एंड एंड और, तो हाँ, उसमें कैसे कॉमा लगाएंगे उसमें, किसमें? लाइक इन द एनी फॉर्मूला वी कैन यूज फॉर द एंड एज वेल एज द और। हाँ दोनों यूज़ कर सकते हैं। ऐसा आता ना, जैसा मैंने आपको उसमें लास्ट एग्जांपल में बताया था, एंड क्या ले, जैसे कोई कंडीशन हो गई हमारी, एंड के अंदर डालना चाहते हैं, फिर इसकी पार्टीशन हमने करे थे और के थ्रू, क्या हुआ था, हमने क्या किया था, यहाँ पे दो कंडीशन एक साथ लगा दी थी, और यहाँ पे एक साथ लगा दी थी कोई,
पे मान लीजिए एक कंडीशन लगा दी थी, और जिसमें मैंने कहा था कि इन दोनों में जो कंडीशन है, जैसे मैं जाता हूँ इन दोनों में से एक में यस हो, इन दोनों में से एक में नो हो, इस तरह की कंडीशन चाहता हूँ। पर दोनों में एक में यस होना चाहिए, एक में नो होना चाहिए, ठीक है जी। ये मेरा अलग फंक्शन करेगा, ये मेरा अलग फंक्शन करेगा। तो इन दोनों में से जब चॉइस आ गई तो और का फॉर्मूला इन दोनों कंडीशंस के बीच में लगाऊंगा। जैसे और के अंदर क्या ये इक्वल टू वाई, क्या ये इक्वल टू वाई, ठीक है जी। तो इन दोनों में से क्या होगा, दोनों को चेक करेगा इसमें से, क्या मतलब है कि किसी एक में भी हो, किसी एक में भी हो इन दोनों में से, जैसे आप करेंगे इसका इवेल्युएशन कर लिया मैंने, देन इसका इवेल्युएशन कर लिया, तो दोनों में ट्रू आ रहा है। अगर एक में भी दोनों में ट्रू आ रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है, अगर एक में नो भी हो, मतलब एक में अगर फॉल्स भी हो, तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये हो गया चॉइस वाला क्वेश्चन, ये इन दोनों में से एक। अब बात आती है इन दोनों में से एक, ठीक है जी। सेम यही कंडीशन इनके लिए लग जाएगी और की, सेम यही कंडीशन लग गई यहाँ पे कि इन दोनों में से नो हो, ठीक है जी। अब नेक्स्ट कंडीशन में मैंने कह दिया कि इस वाले में एक में नो होना चाहिए, एक वाले में एक में यस होना चाहिए, ठीक है जी। तो वहाँ एंड कंबाइंड करेगा कि इसमें भी ट्रू हो और इसमें भी ट्रू हो, ठीक है जी। दो कंडीशन लग गई, तो ये हो गए कंबाइंड अब, ठीक है जी। अब देखिए मेरा कंडीशन क्या थी, अगर इसमें नो होता है तो ये फाल्स हो जाएगी, मेन कंडीशन ये है, यस कर देना ओके हो गया। यहाँ पे मैंने कहा है कि एक नो होना चाहिए, अगर दोनों में यस हो जाए तो फाल्स हो जाएगा। तो इस तरह से तोड़ तोड़ के कंडीशन को हम लगाते हैं, जहाँ चॉइस चाहिए वहाँ और देंगे, जहाँ कंपल्सरी है वहाँ पे एंड दे देंगे। अब मैंने चॉइस के जरिए क्या किया, इसमें से एक कंपलसरी कर दिया और एक इसमें से एक कंपलसरी कर दिया, ठीक है जी। ठीक है जी, एक क्लियर है। तो आगे टेक्स्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं। टेक्स्ट के फॉर्मूले में पहला फॉर्मूला है भाट टेक्स्ट का है, हालांकि इसका कोई यूज नहीं है। ये थाई लैंग्वेज में नंबर टू वर्ड कन्वर्जन करता है, जैसे हम कोई भी नंबर देते हैं तो उसको वर्ड में कन्वर्जन करता है, बट थाई लैंग्वेज में। तो इसमें डिफरेंस देखें, ये थाई लैंग्वेज है, ठीक है जी। चाहे तो गूगल पे जाके इसको चेक कर सकते हैं, हालांकि इसका इसका भी हमारे पास ऐसा कोई यूज नहीं है। ये आप कन्वर्ट करके दे दीजिए, दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। इसमें हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज को जो कन्वर्ट करने के लिए होते हैं, कुछ कोड्स का सहारा लिया जाता है जैसे, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है जैसे ASCII कोड्स, आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं दिखाता हूँ। किसी भी करेक्टर को रिप्रेजेंट कराने के लिए एक टेबल यूज होती है, उसको ASCII कोड्स कहते हैं। उसमें हर एक का एक नंबर होता है, कोड होता है। जैसे अगर आप देखें ये टेबल है, तो 65 जो है वो नंबर है आपका ये कैरेक्टर
ए के लिए, कैपिटल ए के लिए, 97 देखेंगे तो स्मॉल ए के लिए। इसी तरह हर कैरेक्टर जो आपके कीबोर्ड पे अवेलेबल है उसका एक कोड होता है, मोस्टली प्रोग्रामिंग के थ्रू एक्सेस करने के लिए इसको करते हैं। जैसे स्पेस का आप देख रहे हैं तो 32 कोड है, ठीक है जी। तो ये क्या कैर क्या करता है, उस कोड को कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है, ठीक है जी। मान लीजिए मैंने यहाँ 32 दे दिया, ठीक है जी। अब यहाँ स्पेस है, कैसे चेक करेंगे, यहाँ एक इनको कंकैटिनेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको किया और इसको किया, स्पेस आया। तो ये कोड हमारा कैर का जो फंक्शन है वो कोड को कैर में कन्वर्ट करता है। इसी तरह है कि किसी का आपको कोड जानना हो तो कोड का फंक्शन है। कोड में कोई भी आप टेक्स्ट देंगे तो उसका कोड बता देगा, ए का 65 है, कैपिटल ए का 97 है, स्पेस का 32 है, ठीक है जी। और हम एक यूज़ करते हैं, वो ऑल्ट एंटर करते हैं सेम लाइन में नीचे जाने के लिए, इसका 10 होता है, ठीक है जी। इसका यूज आपको एक चीज दिखाता हूँ, मान लीजिए एक मेरे पास फंक्शन होता है रिपीट का, REPT, इसमें आप कोई भी टेक्स्ट देंगे उसको कितने नंबर ऑफ टाइम आपने दिखाना है वो आपका ये फंक्शन करता है। मैंने 10 लिखा तो 10 बार स्टार दिखा दिया इसने। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ नंबर दे दिए और मैंने इसमें ये जो रेफरेंस है वो यहाँ से ले लिया। तो ये ग्राफ की तरह एक काम करता है, एक चार्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे देंगे, यहाँ पे दिखा देंगे, एक चार्ट की तरह आपका काम कर रहा है यहाँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्टार को जो है पाइप से रिप्लेस करता हूँ। पाइप आप जानते हैं स्लैश के ऊपर होगा आपके, ठीक है जी, ये पाइप, ठीक है जी। तो इसको पूरी तरह से चार्ट की शक्ल देने के लिए इसका फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा। इसका फॉन्ट हम रखेंगे कुछ ऐसा मोटा सा फॉन्ट जिसमें ये अपना पाइप पूरा वो कवर कर ले। ये ब्रिटैनिक बोल्ड, ब्रिटैनिक बोल्ड का फॉन्ट ले लिया मैंने, कोई भी कलर मैं चूज कर ले कर सकता हूँ टेक्स्ट का। तो एक मेरा जो अपने पास 2013 में या बार चार्ट आपने देखी होंगी जो मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दिखाई थी, तो वो पहले इसी तरीके से बनाते थे। डेटा बार्स है ना, तो सेम आपका डेटा बार्स टाइप का चार्ट है, ठीक है जी। देन बात कर, इसमें क्या कहता हूँ कि मेरे यहाँ दो चार्ट हैं, डबल डेटा है कुछ, ठीक है जी। अब मुझे सिंगल कॉलम में चार्ट दिखाना है, सिंगल कॉलम में ऐसा चार्ट जो मैं VLOOKUP से भी कॉल कर सकूं, ठीक है जी। यहाँ पे मैं सारा लूंगा उसका कोड 10 का, कंकैटिनेट करता हूँ। कैर में मैंने कोड डालना है वो 10, ऑल्ट एंटर वाला जो था। देन मैंने क्या करना है, यही सेम फंक्शन अप्लाई करना है और ये G2 की जगह मैंने दे देना है ये वाला, ठीक है। या तो पहले इसको दे देते हैं, यहाँ F2 दे देते हैं,
2 दे देते हैं। इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। अब इसमें मुझे एक चीज करनी पड़ेगी, रैप टेक्स्ट। जैसे कि रैप टेक्स्ट किया मैंने, यहाँ पे आपके ये चार्ट बने हुए आ गए, ठीक है। इसको पकड़ के मैं क्या करता हूँ, इसमें जाता हूँ अलाइनमेंट में और ये 90 डिग्री पे सेट कर देता हूँ। ये बन गया मेरा चार्ट विद इन सेल, ठीक है। जहाँ ऑटोमेशन करेंगे वहाँ इस तरह के कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी। दूसरा मान लीजिए, इसके आगे मैंने आईडी डाल दी, हालांकि वी लुकअप में बाद में दिखाऊंगा, पर मैं ये दिखा रहा हूँ कि आप आईडी के जरिए इसको कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे जो चार्ट है, यहाँ पे मैं एक वी लुकअप लगा देता हूँ, इसमें से यहाँ से डेटा सर्च करवा लेता हूँ और कॉलम इंडेक्स को वी लुकअप में बाद में एक्सप्लेन करूँगा आपको, जब वी लुकअप की बारी आएगी। और यहाँ से मैंने क्या करना, फॉर्मेट प्रिंटर से लिया, ठीक है जी। चाहूँ तो इसको उसमें ले लूँ डेटा वैलिडेशन में, लिस्ट लेके, ये लिस्ट मैंने पूरा सोर्स उठा लिया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी करूँगा उसका चार्ट में देख सकता हूँ, ठीक है जी। तो ये हमारा बेसिकली ऑटोमेशन में काम आता है। तो कोई भी फंक्शन को मतलब बेकार मत समझिए, कौन सा कहाँ काम आएगा कोई पता नहीं। आगे आपका है क्लीन का फंक्शन। क्लीन में क्या होता है, कई बार नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स लग जाते हैं हमारे साथ। जब ईआरपी वगैरह में आप डेटा वगैरह इंपोर्ट करते हैं एक्सेल के अंदर, तो कुछ नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स आ जाते हैं। नॉन प्रिंटिंग हो गए, मान लीजिए वो कोड 10 का लगा लीजिए, कैर 10, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ऑल्ट एंटर, और यहाँ पे कुछ दे देता हूँ, ठीक है। फिर से एक दे देता हूँ ऑल्ट एंटर, तो इसमें दो नॉन प्रिंटेबल करेक्टर सेट हो गए। और जब मैं इसकी लेंथ चेक करूँगा, 9 दिखा रहा है, जबकि एक्चुअल जो होनी चाहिए 7 होनी चाहिए। तो क्लीन का फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है जी। अब लेंथ चेक करते हैं, ठीक है जी। कुछ इस तरह के जो आपके जो नौ दिखाई देने वाले करेक्टर्स हैं उनको क्लीन जो है क्लीन कर देता है। देन चलते हैं कंकैटिनेट। कंकैटिनेट जैसे मैंने बताया कि हम लोग एंड के साइन के जरिए कर रहे थे अभी तक, तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी है कंकैटिनेट का। इसमें आप बस टेक्स्ट का रेफरेंस देते जाइए, ठीक है जी। ये आपको कंकैटिनेशन करता है, आपको सारा एक ही सेल में रिजल्ट दे देगा। स्पेस चाहिए तो आपको इसके अंदर मैनुअली देना पड़ेगा, कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस कर देंगे, देन कॉमा नेक्स्ट वैल्यू, ये कंकैटिनेट का फंक्शन। देन आपके पास इसमें क्वेश्चन है, हाँ जी, कि अगर कोई किसी सिस्टम ईआरपी से डाउनलोड करते हैं तो वो 10 कैरेक्टर्स का होता है जनरली, फॉर एग्जांपल, और लेकिन जब वो उसको डाउनलोड होता है 7 कैरेक्टर्स होता है, उसको इससे कैसे ठीक कर सकते हैं? वो तो वो सिस्टम कैसे किस बेस पर डाउनलोड कर रहा है वो देखना पड़ेगा ना। और
साइज अगर आपने बताया था मेरे ख्याल से आगे जीरो थे उसके, तो उसके तीन जीरो लगने सिर्फ बस। तो मैंने बताया था उसके लिए आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ नंबर हैं, कुछ भी नंबर हैं और इसको मैं छः डिजिट का बनाना चाहता हूँ, तो आपके पास एक फार्मूला है, उसके बगल वाली सेल में इसको टेक्स्ट का फार्मूला टाइप कर दीजिए और कितने वो चाहिए यहाँ पे उतने जीरो दे दीजिए। ठीक है जी, ये क्या देगा आपको, वो वैल्यू देगा। ठीक है जी, अब इसको आप कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करेंगे, पेस्ट एज वैल्यू, तो ये एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है जी, लेकिन आपके पास है डॉलर का फार्मूला, डॉलर का कुछ नहीं करता है, ये जैसे करेंसी फॉर्मेट वगैरह में सेट करना है तो डॉलर का फार्मूला है। इसमें जो रेफरेंस देंगे वो आपको उसमें दे देगा। इसमें दो पैरामीटर है, नंबर एंड डेसिमल। लेकिन जो जो बड़े ब्रैकेट लगे होते हैं ना इसमें, यहाँ पे नंबर प्लेन दिखा रहा है, यहाँ पे बड़े ब्रैकेट दिखा रहा है, इसका मतलब है कि ये ऑप्शनल है, आप दें ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं देना चाहूँ कि मुझे तीन डेसिमल पोजीशन चाहिए, तो तीन डेसिमल पोजीशन दिखा रहा है। ठीक है जी, देन इसी की तरह ही आपके पास नंबर फॉर्मेटिंग के लिए फिक्स्ड का है, नंबर डेसिमल, डेसिमल में जितना देना चाहते हैं, नो कॉमा, मतलब ये ट्रू फॉल्स में लेगा वैल्यू। अगर इसको फॉल्स कर देंगे मतलब हमें कॉमा चाहिए, कॉमा कहाँ आते हैं हमारे, जैसे ये 1000 से पार होगा तो ये कॉमा जो दिखा रहा है इसका ट्रू फॉल्स में लेता एंट्री। देन हमारे पास दो फंक्शन है, एग्जैक्ट एंड फाइंड। अब देखिए एक मेरे पास ये है, एक ये है, तो एग्जैक्ट का देखते हैं, तो ये इक्वल टू ये दो नेम सेम है। ठीक है जी, इक्वल टू तो सेम देगा, पर जहां आप चाहते हैं कि केस सेंसिटिविटी चेक करें तो वहां आप यूज करेंगे एग्जैक्ट का फॉर्मेट, कि ये टेक्स्ट इसके एग्जैक्ट है कि नहीं। ठीक है जी, फॉल्स केस सेंसिटिविटी के हिसाब से काम करता है, अगर आप यहां पे सेम केस दे देंगे तो ट्रू दिखा देगा। टेक्स्ट के लिए होता है, एग्जैक्ट तो हम उसी में मैच करते हैं, इस केस का फर्क है खाली बस, बाकी ये देख लीजिए, चेक वेदर टू टेक्स्ट स्ट्रिंग आर एग्जैक्टली सेम एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। ठीक है जी, एग्जैक्ट इज केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव यही होता है। ठीक है जी, देन हमारे पास है रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट, वो मैं बताता हूँ उसका, एक्चुअली उसका ग्रुप है, उसको इकट्ठे बताता हूँ, फाइंड और सर्च। एंड दो फंक्शन हमारे पास है, रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट। तो रिप्लेस का देखते हैं, रिप्लेस देखिए पुराना टेक्स्ट क्या है, ये टेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, ओल्ड टेक्स्ट, स्टार्ट नंबर कौन सी इंडेक्स पोजीशन से चेंज करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं। ये जैसे है, 7 करेक्टर्स हैं, 6 करेक्टर्स हैं, तो इंडेक्स नंबर जैसे पी 1 नंबर पे, आर 2 नंबर पे, ए 3 नंबर पे, तो ऐसे इंडेक्स पोजीशन है, तो स्टार्ट नंबर कहाँ से चेंज करना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे ए को बदलना है, तो ए 3rd नंबर पे, तो मैं लिखूँगा 3। ठीक है जी, कितने चेंज करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ मेरे को ए ही चेंज करना है तो खाली दूंगा 1। अगर मैं कहूँगा ए वी हटाना है यहाँ से, इसकी जगह कुछ और लगाना है, तो इसमें दूंगा 2 करेक्टर, मतलब जितने करेक्टर चेंज करने हैं उतने करेक्टर यहाँ पे आ जाएंगे, नम करेक्टर। देन न्यू टेक्स्ट, उसकी जगह क्या लिखना चाहते हैं, मैंने कहा ई कर दो। ठीक है जी, तो ये क्या करेगा,
यहाँ पे अल्टर करके दिखा दिया आपको। ठीक है जी, यही काम आप सब्स्टिट्यूट से करा सकते हैं। इसमें टेक्स्ट हम देंगे ओल्ड टेक्स्ट, इसमें इसका मतलब है कि पहले क्या लिखा हुआ है, मैंने कहा ए लिखा हुआ। न्यू टेक्स्ट क्या है, मैंने कहा ई कर दो। ठीक है जी, तीसरा है इंस्टेंट, इंस्टेंस नंबर ऑप्शनल है। इंस्टेंस नंबर जब यूज होता है, जब एक ही तरह के काफी सारे करेक्टर हो। पहले ये देख लेते हैं आपका इसमें रिजल्ट सही आ रहा है। अब मान लीजिए मैं टारगेट करता हूँ ई को, मैं ई को बदलना चाहता हूँ, किससे, ए से बदलना चाहता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं एंटर करूँगा तो क्या करेगा, ये जो डबल ई था उसने दोनों ई को चेंज कर दिया। इंस्टेंस नंबर ये है कि कौन सा वाला, मैं कहता हूँ फर्स्ट वन तो पहला ई चेंज करेगा, मैं कहता हूँ सेकंड वन तो दूसरा वाला चेंज करेगा, और अगर कुछ नहीं देता तो वो सारे चेंज कर देगा। ठीक है जी, मतलब अगर तीन बार इसमें ई लिखा हो तो ये पूछेगा कि पहला ई चेंज करना है, दूसरा ई चेंज करना है या तीसरा करना है। ठीक है, वो करेक्टर का इंस्टांस हो जाता है। देन हमारे पास है फाइंड का फंक्शन। फाइंड का फंक्शन, चलिए एक केस लेते हैं, और कोई भी है, फाइंड पे बाद में आते हैं। एक इसको मुझे अपर केस में करना है, कैपिटल लेटर्स में, तो अपर का फॉर्मूला है। इसको लोअर केस में करना है तो लोअर का फॉर्मूला है। टाइटल केस में करना है, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर, तो अपर लोअर एंड प्रॉपर, प्रॉपर केस। ठीक है जी, ये अपर लोअर एंड प्रॉपर केस। देन आपके पास है टेक्स्ट का फॉर्मूला, मैं इलेबोरेट कर चुका हूँ कई बार। एक केस लेते हैं, चलिए यहाँ पे कुछ नाम है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, फर्स्ट नेम अलग करना है, मिड नेम अलग करना है, लास्ट नेम अलग करना है। ठीक है जी, तो इसमें मेरे पास है फंक्शन, लेफ्ट से अगर कैरेक्टर्स निकालने हैं तो लेफ्ट का है फॉर्मूला। आप इसको सिलेक्ट कीजिए कितने कैरेक्टर निकालने हैं, पहला टेक्स्ट दे दीजिए और कितने कैरेक्टर निकालने हैं। मैंने कहा पहला सात निकाल लो, तो मेरा लेफ्ट से काम हो जाएगा, सात निकाल दिया। देन है मेरे पास राइट से कैरेक्टर निकालने के लिए राइट का फॉर्मूला, इसको सिलेक्ट किया, कितने कैरेक्टर निकालने हैं, मैंने कहा राइट से जो है आप पाँच निकाल दो। ठीक है जी, पाँच निकाल दिए। अब मिडल के लिए मेरे पास है मिड का फार्मूला, मिड का फार्मूला यूज़ किया, टेक्स्ट ये। अब इसमें क्या करता है, मिडल से अगर निकालना है आपने तो आपके पास इसमें से आपको इंडेक्स नंबर चूज करना पड़ता है। तो हम गिन के आएंगे सात, मेरे नाम के जो है सात हैं, देन स्पेस एक आठ, और नौ से स्टार्ट करना है। ठीक है जी, तो नौ से स्टार्ट करना है, कितने करेक्टर लेने हैं, कुमार में पाँच, तो क्या दूंगा, पाँच करेक्टर उठाने। ठीक है जी, ये एक फार्मूला हो गया मेरा कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैंने निकाल दिए। बट मैं अगर इसमें कुछ और टाइप करता हूँ, ये फार्मूला कितना सही रहता है। मैं चाहता हूँ थोड़ा फार्मूला जो है इंटेलिजेंट होना चाहिए, अपने आप आइडेंटिफाई करे। तो सबसे पहले मेरी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मुझे ये नहीं पता कि स्पेस कहाँ आ रहा है। ठीक
ठीक है जी, पहले मुझे स्पेस को फाइंड करना पड़ेगा, तो मुझे किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? मुझे पड़ेगी फर्स्ट स्पेस चेक करना है मैंने, लास्ट स्पेस चेक करना है, लास्ट मतलब सेकंड स्पेस कि वो कहाँ आ रहा है, एंड देन इसकी लेंथ चाहिए होगी। तो लेंथ के लिए एल लेन का फॉर्मूला, फर्स्ट स्पेस निकालना है तो अब यहाँ पे मैं फाइंड यूज करूँगा। फाइंड टेक्स्ट क्या फाइंड करना है, स्पेस फाइंड करना है, इसमें दे दिया मैंने। किसमें फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है। अब ये पूछ रहा है स्टार्ट कहाँ से करना है, ये ऑप्शनल है, तो अगर मैं ऐसे ही देता हूँ तो शुरू से स्टार्ट करेगा, ठीक है जी। सेकंड स्पेस फाइंड करने के लिए मुझे पहले स्पेस का रेफरेंस लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने स्पेस दिया विद इन टेक्स्ट इसी में। अब कहाँ से स्टार्ट करना है, इसको इंडेक्स पोजीशन देनी होगी। अगर मैं यही खाली इंडेक्स पोजीशन देता हूँ तो क्या होता है, आठवीं पोजीशन पे ही उसको स्पेस मिल जाता है, वो आगे जाएगा ही नहीं। मैंने क्या करना पड़ेगा, प्लस वन, ठीक है जी। स्टार्ट जो स्टार्टिंग इंडेक्स है तो मैंने कहा कि 9 से शुरू कर कि अगला स्पेस क्या है, ठीक है जी। इसने बताया 14 है। देन लेंथ जो है टोटल कैरेक्टर की लेंथ दे देता है मुझे, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ जो लेफ्ट का फॉर्मूला लगाया था मैंने, 7 करेक्टर लिखाए थे, इसमें मैं क्या करूँगा, फर्स्ट स्पेस यहाँ मिल गया तो 7 रिक्वायर्ड थे, स्पेस एक फालतू है तो माइनस कर देंगे, ठीक है जी। इसको ड्रैग कर दूँ, पहले इसको ड्रैग कर दूँ, तो यहाँ मैंने ड्रैग किया, काम बन गया। ये काम बन गया मेरा, सही एंट्री लेने लगा अपने आप पहले स्पेस के बेस पे। देन राइट की प्रॉब्लम पे चलते हैं। राइट में क्या था, राइट में भी सेम था। राइट में मैंने क्या करना है, 5 कैरेक्टर हैं तो 19 में से 14 गए, यानी टोटल लेंथ में से अगर मैं सेकंड स्पेस का इंडेक्स माइनस कर दूं तो मेरी पोजीशन सही हो जाएगी। तो मैंने क्या करना है, लेंथ माइनस सेकेंड स्पेस, ठीक है जी, ड्रैग किया, इसने भी काम कर दिया। अब बात आती है मिडल की। मिडल में क्या क्या चाहिए था मुझे, स्टार्ट नंबर चाहिए था और कितने करेक्टर निकालने हैं। तो स्टार्टिंग नंबर जो था मेरा, फर्स्ट स्पेस प्लस वन था, ठीक है जी। और कितने नंबर निकालने हैं वो था 14 में से 8 करेंगे, तो बीच के यहाँ 5 थे, यहाँ 6 निकल रहे हैं, ठीक है जी। क्योंकि स्पेस आपस में फालतू हो रहे हैं, मैंने क्या करना है, यहाँ पे डालना है 14 माइनस सेकंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस माइनस 1, एक और माइनस 1, ताकि एग्जैक्ट आए। अब इसको ड्रैग करेंगे, सही चल रहा है, ठीक है जी। इसमें क्लियर कैसे हुआ ये, इस फॉर्मूले में कोई डाउट है? क्योंकि फिर इसका गियर बदलूंगा मैं फॉर्मूले का। देखिए इसमें सबसे पहला जो मैंने किया था वो लेफ्ट का फार्मूला था। लेफ्ट में 2 करेक्टर हैं इस फार्मूले में, एक टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है जिसमें कितने करेक्टर लेने, जिसमें मैंने कहा था कि फर्स्ट स्पेस, यहाँ से मैंने स्पेस फाइंड किया, स्पेस आया 8वीं पोजीशन पर, गिन के देखेंगे पर नाम 7 करेक्टर का है, मतलब स्पेस अपने आप को इंक्लूड कर रहा है, तो -1 दे दिया यहाँ पे जो नंबर करेक्टर है, ठीक है जी। तो लेफ्ट से इसने 7 करेक्टर उठा लिए। देन राइट में क्या था, राइट में पूरी लेंथ चेक करूंगा, मेरा पूरी लेंथ 19 की आ गई, ठीक है जी। सेकंड स्पेस जो है 14वीं पोजीशन पे, तो पूरी लेंथ में से अगर हम सेकंड स्पेस माइनस कर दें तो हमारे पास लास्ट नेम मिल जाता है हमें, ठीक है जी। वही यहाँ पे हुआ है,
राइट में वही टेक्स्ट दे रखा है, कितने कैरेक्टर निकालने, तो 19 में से 14 का 5 कैरेक्टर निकालने हैं, तो 5 कैरेक्टर निकाल के इसने रिजल्ट दिखा दिया। देन जो था मिडल का फॉर्मूला, मिडल के फॉर्मूला में क्या है कि कौन सा टेक्स्ट रहेगा, देन आपकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या रहेगी। स्टार्टिंग पोजीशन मैंने बताया कि स्पेस 8वीं पोजीशन पे, तो 9 से स्टार्ट करना है, ठीक है जी, क्योंकि मिडल नेम वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने क्या दिया, सेकंड स्पेस फर्स्ट स्पेस प्लस 1, तो 9वें कैरेक्टर से चल गया। देन इसमें था कितने कैरेक्टर आगे तक निकालना है, यहाँ से कितने कैरेक्टर आगे चाहिए, तो यहाँ से मुझे कैसे पता पड़ेगा, जब मैं सेकंड स्पेस में से फर्स्ट स्पेस माइनस कर दूंगा, तो सेकंड स्पेस था 14वीं पोजीशन पे और यहाँ करेक्टर कितने, 5, ठीक है जी। 14 में से अगर 8 जाएँ तो कितने आएंगे, 6 आएंगे, तो यानी एक स्पेस अपने आप को फालतू रह रहा है, तो स्पेस माइनस कर दिया। क्या किया मैंने, सेकंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस माइनस 1, ठीक है जी, तो ये मिडल नेम आ गया। और कोई डाउट इसमें, ठीक है जी। अब क्या करते हैं कि फॉर्मूले को कंबाइंड करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं यहाँ तो लेने वाला नहीं हूँ, ठीक है जी, ये साथ में चला नहीं सकता, एक ही जगह फॉर्मूला चाहिए। मैं क्या करूँगा इसमें अब चेंज करूँगा, जो फार्मूला मैंने यहाँ लगाया है उसको इसी के अंदर फीड करूँगा। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, फर्स्ट स्पेस, सबसे पहले तो मैंने फर्स्ट स्पेस का यूज़ किया सेकंड स्पेस में, तो पहले इन दोनों को फ्री करता हूँ, क्योंकि अगर मैं ये फार्मूला लूँ और ये इस पर डिपेंडेंट रहे तो मैं इसमें इंडिविजुअली नहीं पुट कर सकता, तो मुझे सबसे पहले इसको फ्री करना होगा। कैसे करूँगा, यहाँ से ये फार्मूला इक्वल टू से पहले तक कॉपी किया, देन क्या किया, यहाँ पे मैंने जहाँ भी ये रेफरेंस यूज़ किया, ये कौन सा G3, यहाँ पे G3 किया हुआ है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है जी, सिलेक्ट करके उसको, ये हो गया फ्री। F2 दबा के देखूँगा कोई लिंक नहीं आ रहा है, तो ये फ्री हो गया, तो एक फार्मूला मेरे को मिल गया। अब ये फार्मूले फ्री हो गए, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे देखता हूँ लेफ्ट के फार्मूला में मैंने यूज़ किया G3, G3 से जो फार्मूला था वो मैं यहाँ पे दिख गया और पेस्ट कर दिया, आ गया, ठीक है जी, ये हो गया। देन यहाँ पे G3 है, अब देखिए जहाँ पे G3 है वो एक ही बार में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जाइए, सिलेक्ट कर लीजिए सीधा सीधा, फाइंड रिप्लेस वाला खोल लीजिए, कंट्रोल एच से रिप्लेस वाला आ जाएगा, कंट्रोल एफ से फाइंड, कंट्रोल एच से रिप्लेस का, तो फाइंड क्या करना है, हम कह रहे हैं G3, उसकी जगह क्या करना है, ये फॉर्मूला करना है, तो रिप्ले सिलेक्शन करके देंगे तो रिप्लेस ऑल भी दबाएंगे तो इसी के अंदर से रिप्लेस होगा, तो दो रिप्लेसमेंट इसने कर दी, यहाँ भी था वो एक झटके में हमारा चेंज हो गया, ठीक है जी। देन इसी तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं H3 का ये लिंक है, तो H3 इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी किया मैंने, और इनमें मैंने क्या किया, H3 की जगह उसको डाल दिया, ये फॉर्मूला कर दिया, तो जहाँ भी H3 था ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूले देखेंगे अपने आप में ही, अब इसका कोई लिंक यहाँ से नहीं आ रहा है, एक का आ रहा है जहाँ पे लेंथ यूज़ किया, तो लेंथ को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और डायरेक्ट जब ज़्यादा हो तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये कौन सी पे, I3 पे, तो I3 ये रहा, यहाँ पे डाल दिया मैंने, ठीक है जी। अब ये फर्स्ट स्पेस सेकंड स्पेस इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे फॉर्मूले हो गए रेडी, ठीक है जी, ये अपन अच्छा अब यहाँ तो रेडी हो गए, इनको ड्रैग कर लेता हूँ नीचे, ठीक है जी। अब जैसे यहाँ पे आ रहा है, देखिए ये जो वैल्यू आ रही है ना, इसको इफ एरर के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी, पर अभी नहीं करते, अभी कुछ और कर लेते हैं। अब मेरे ये लंबे चौड़े फार्मूले बन गए इसके लिए, मिडल नेम निकालने के लिए, और अपना लेफ्ट नेम निकालने के लिए।
पर ये है कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो तीन के अलावा दो करेक्टर के भी नाम हो सकते हैं। तो एक वैल्यू तो लेफ्ट का तो सही चल गया, और जो हमारा था मिडल का फेल हो गया क्योंकि सेकंड स्पेस नहीं मिला, इसे एरर दिखा गया। लास्ट का हो गया क्योंकि उसमें लेंथ माइनस सेकंड स्पेस था, तो जहाँ सेकंड स्पेस का जिक्र था वहाँ ये फॉल फेल हो गया। तो उसमें क्या करना है, दो करेक्टर से तो हमें भी पता है कि यहाँ कोई ज़रूरत नहीं मिडल नेम की। अब ये करना है, हम इफ़ एरर का एक और यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इस मिड के फंक्शन में इफ़ एरर लगा दिया और मुझे पता है कि मिडल नेम अब आएगा नहीं इसमें, तो जहाँ वैल्यू वाला पार्ट था मेरा पूरा फार्मूला चला गया, और वैल्यू इफ़ एरर में मैंने क्या कर दिया, ब्लैंक दे दिया वही इन्वर्टेड कॉमास डबल वाला। ये क्लियर हो गया, मेरा काम सॉल्व हो गया। ठीक है जी, अब मुझे चाहिए था कि सेकेंड स्पेस। अब सेकेंड स्पेस ये है, लास्ट नेम तो इसमें तो है, पर इसके लिए अंदर मुझे डिफरेंट फार्मूला लगाना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, इफ एरर तो लगाऊंगा, पर जो है इसमें ब्लैंक की बजाय दूसरा फॉर्मूला ही दूंगा। क्या दूंगा, राइट से ही वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, टेक्स्ट ये रहा, कितने करेक्टर निकालने, टोटल लेंथ जो भी होगी इसकी माइनस फर्स्ट स्पेस। ठीक है जी, फर्स्ट स्पेस निकालने के लिए क्या करूँगा, फाइंड का फंक्शन लगा दूंगा। इसमें हम फाइंड कर लेंगे कि कहाँ है, विद इन टेक्स्ट एंड स्टार्ट नम करना है, पहला ही ले है अपने आप ही ले लेगा। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा, ये फार्मूला भी लग गया। इफ एरर के अंदर दूसरा फार्मूला लग गया, मतलब अगर एरर आएगी यहाँ पे अगर तीन नाम देते हैं तो भी सही चलेगा, दो नाम देते हैं तो भी सही चलेगा, जहाँ एरर आएगी वहाँ दूसरा फंक्शन वर्क करने लग जाएगा। ठीक है जी, अब क्या हो सकता है, सिंगल नाम भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे सिंगल ही नाम है, उस केस में क्या करेंगे। अब यहाँ पहला वाला जो था स्पेस फाइंड कर रहा था, इसलिए दिक्कत हो गई, इसे एरर दिखा रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल दे देंगे इफ एरर, पहले इसको ड्रैग कर लेते हैं ऊपर नीचे। जी, यहाँ पे अभी इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा है इसे, तो इसको इफ एरर के अंदर लगा देंगे। और यहाँ पे जो रेफरेंस दे देंगे कि अगर कोई एरर आती है, यहाँ पे एरर आ गई फर्स्ट वाले में, तो मतलब उसमें कोई भी स्पेस नहीं है, प्रॉब्लम यही होगी। उस केस में क्या करना है, आपने ये टेक्स्ट दे देना है, B7 में जो लिखा है वही दिखा दो। ठीक है जी, वो आ गया। और यहाँ पे अब इसके बाद भी एरर आती है तो एक और इफ एरर दे देना है। और रेफरेंस में क्या देंगे हम, ब्लैंक। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके फॉर्मूले। ठीक है जी, अब यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, वहाँ पे भी तो प्रॉब्लम है कि कुछ ना हो तब भी ये 0 भी एटलीस्ट ना दिखाए, तो एक और इफ एरर लगा दीजिए। इसमें इफ एरर वैल्यू में पूरा फॉर्मूला है, देन क्या करेंगे, अगर इसमें इसमें आप कोई एरर नहीं आ रही, बेसिकली उसे कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो ये ब्लैंक भी नहीं असर करे, तो अब ये 0 का जुगाड़ करना है। 0 हम देख रहे हैं कि साफ साफ एरर आ रही है, तो यहाँ इफ का ही फॉर्मूला लगा देंगे। इफ अगर ये फॉर्मूला जनरेट करता है 0, देन क्या करे, ब्लैंक कर दे, अदरवाइज पूरा यही फॉर्मूला रहे। ठीक है जी, अब क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है जी, तो अब आपका फॉर्मूला पढ़ चुका है, जैसे मर्जी वैसे वैल्यू उसमें डाल सकते हैं।
ठीक है जी, अपना वर्क करने लगा है फॉर्म में। इसमें कोई दिक्कत हो तो दोबारा पूछ सकते हैं। चलिए बाकी बच्चे वो फॉर्मूले भी देख लेते हैं। जैसे हमने फाइंड को यूज किया था, इसी तरह सर्च भी है। पर सर्च क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। मैंने क्या दिखाया यहाँ पे, फाइंड मैंने कहा कि ए फाइंड करो, किसमें करो, इसमें करो। मैंने बताया सेकंड पोजीशन पे, यही मैं नीचे खींचता हूँ तो ये फाइंड ने एरर दे दी। सर्च में यही सेम चीज यूज करता हूँ, तो ये दोनों में वर्क कर रहा है। तो मतलब क्या है कि फाइंड जो है केस सेंसिटिव होता है और सर्च जो है केस सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है जी, काम दोनों सेम करते हैं, बस ये है कि ये कैपिटल में भी सर्च करेगा आपका। एक होता है ऑप्शन हमारे पास ट्रिम का, मान लीजिए यहाँ पे एआरपी में एक और चीज आती है, कई बार स्पेस जुड़ जाते हैं बगैर बात के। यहाँ पे मैंने दो स्पेस लगा दिए आगे पीछे, तो आगे पीछे के जो ब्लैंक स्पेसेस हैं वो हटाने हैं आपको ऑटोमेटिकली, तो आप इससे हटा सकते हैं, आपका ट्रिम का फंक्शन है। ठीक है जी, तो ट्रिम क्या करता है, ब्लैंक स्पेसेस हटा देता है। तो अब इसकी लेंथ चेक करते हैं, तो साथ ठीक है जी। देन मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं और कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ठीक है जी। तो एक हमारे पास टेक्स्ट टेक्स्ट अलग करने हैं, तो कौन सा फंक्शन है हमारे पास, टी। सिर्फ टी, तो इसमें जितने भी टेक्स्ट होंगे वो अलग हो जाएंगे, जहाँ भी नंबर होगा वहाँ कुछ नहीं दिखाएगा, ब्लैंक कर देगा। ठीक है जी, इसी तरह से हमारे पास नंबर होता है, नंबर निकालने के लिए एन यहाँ से चूज कर देंगे। ये एक चीज़ करता है, अगर कुछ नहीं हो तो जीरो दिखा देता है, अगर टेक्स्ट होगा तो जीरो दिखा देगा। तो इसको अगर आप चाहते हैं कि कुछ ना दिखाए तो इफ ये करके जीरो करके भी लगा सकते हैं। अगर ये जीरो जनरेट कर रहा है देन क्या करे, ब्लैंक कर दे, अदरवाइज आपका यही वाला कंटिन्यू करे। ठीक है जी, तो जैसा आप चाहते हैं वैसा करेगा, नंबर और टेक्स्ट अलग अलग हो गया आपके। ठीक है ना, बाकी देख लेते हैं कोई बचा ना हो। बाकी एक हमारा फॉर्मूला वैल्यू का, वैल्यू का क्या होता है, कई बार हमारे पास टेक्स्ट जनरेट हो जाता है इस तरह से। तो इसको अगर वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, टेक्स्ट से न्यूमेरिक में आ जाएगा। तो ये थे आपके टेक्स्ट फंक्शन आज के लिए। ठीक है सर, बाकी फिर कल मिलते हैं। हाँ जी, जब हम ईएफपी से सर्वर डाउनलोड करते हैं तो उसमें न्यूमेरिक भी आते हैं और टेक्स्ट भी आते हैं। हाँ,
टेक्स्ट होते हैं वो तो सर जैसे सेंड करते हो कोई चीज आइटम है तो टेक्स्ट पे टेक्स्ट पर आ जाता है, तो ये जो न्यूमेरिक होता है वो न्यूमेरिक के केवल ये तो नीचे प्लस बन के कुछ आ जाता है, तो न्यूमेरिक आपका एक्सेल तो मैंने डिलीट कर दी सर जी। अच्छा न्यूमेरिक आपका प्लस में बन के आ जाता है, मतलब बीच में बीच में प्लस उसके आगे लगा होता है, कहाँ लगा होता है? बीच में प्लस बन के बीच जैसे वो 10 कैरेक्टर्स 10 10 वर्ड है 10 कैरेक्टर्स का, हाँ तो उसमें जो टेक्स्ट होता है वो तो टेक्स्ट पूरा आ जाता है वहां पे, जो न्यूमेरिक होता है वो बीच में प्लस आ जाता है साइन उसके पर, तो आप वो ऐसा कीजिए ना, जो फाइल है ना कल मेरे साथ शेयर कीजिए, कल मैं बताऊंगा आपको। और भी अगर कोई डाउट हो ना, वैसे दिन में पूछ लीजिएगा उससे रिलेटेड ना, तो उसमें एक ही बार में बता दूंगा सारे आपके। ठीक है जी, ओके।